हेलो गाइस, वेलकम टू द जिमनी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे सैंडिएगो कॉमिक कॉन के डे 2 के बारे में। तो आज है तारीख 19, फ्राइडे का दिन है और आज सेकंड डे में सैंडिएगो कॉमिक कॉन में क्या क्या लॉन्च हुआ, तो एवरीथिंग सारे अपडेट के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलर के बारे में। तो पहला ट्रेलर देखने को मिला हमें कैट का, जो कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, VFX काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और इसी में मेरे रिव्यू कहते हैं कि ये ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप जाके यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। देन सेकंड ट्रेलर देखने को मिला हमें IT चैप्टर का, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट देखा होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सैंडिएगो कॉमिक कॉन में इसका ट्रेलर लॉन्च होने वाला है, और फाइनली ट्रेलर लॉन्च होते ही सैंडिएगो कॉमिक कॉन में हल्ला मच गया और देन लोगों को ये ट्रेलर इतना ज़्यादा पसंद आया कि वो अब वेट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक IT चैप्टर 2 का ट्रेलर नहीं देखा है तो जाके देखो, और इन हिंदी में और इंग्लिश में लॉन्च हो चुका है तो ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हॉरर टाइप की है, और देन शायद दो पार्ट में ये स्टोरी चलेगी क्योंकि इसमें छोटे बच्चे भी दिखाए और बड़े बच्चे भी। और देन उसी के साथ बात करते हैं, अब स्पाइडरमैन की स्टिल इमेजेस को लॉन्च करा गया है, जो कि VFX से और एडिट से बनाई गई हैं, जो कि रिसेंट में भी लॉन्च करी गई हैं। देन इसी में हमें देखने को मिल रहा है कि स्पाइडरमैन जब मूवी में बात करता हुआ MJ से कूद रहा था, तो उसने जो सेल्फी ली थी, जो टेक्स्ट मैसेजेस करे थे, तो वो इस स्टिल इमेजेस में हमें दिखाया गया है। तो जैसा कि आप मेरे बिहाइंड द सीन वीडियोस में देख रहे होंगे, कौन सा पार्ट में देख रहे होंगे, कितना क्लियर है। अगर आपको ये HD में चाहिए तो मेरे ट्विटर अकाउंट से जाके ले सकते हो, ये फुल HD है, आराम से जाके डाउनलोड करो। देन उसी के साथ अगला अपडेट है एक ट्रेलर का रिलेटिव, जो कि है टर्मिनेटर डार्क फैक्ट। इसका अगर आपको ट्रेलर देखना है तो आज रात को शायद 3 बजे के करीब ये ट्रेलर लॉन्च होने वाला है, और पूरी डिटेल जानने के लिए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको मैं रिसेंट का अपडेट भी दे सकूं। तो आज रात को शायद ये ट्रेलर लॉन्च होगा, तो वेट करते हैं इस ट्रेलर के लिए। देन उसी के साथ एजेंट ऑफ द शील्ड जो देखता है, उनके लिए एक बैड न्यूज़ है कि आफ्टर 7 सीजन के बाद इसकी एंडिंग हो जाएगी, उसके बाद हमें कभी कोई देखने को नहीं मिलेगा एजेंट ऑफ द शील्ड। देन उसी के साथ वंडर वूमेन के ऑल्टरनेट लोगो डिज़ाइन करे हुए लॉन्च करे गए हैं, जिसमें कि गोल्डन टाइप का, फिर कलर टाइप का लॉन्च करा गया, और देन ये सारे के सारे लोगो काफ़ी ज़्यादा कमाल के लग रहे हैं। और देन उसी के साथ वंडर वूमेन से रिलेटेड कोई अपडेट इसलिए नहीं आया सैंडिएगो कॉमिक कॉन में, क्योंकि DC ने मना कर दिया था, फिर बाद में हाँ कर दिया था, तो अभी से ऐसा कोई शेड्यूल में प्लान भी नहीं है कि DC क्या करेगा वंडर वूमेन के साथ, और देन वो फ्यूचर में क्या करने वाला है। तो देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा, और कोई अपडेट आता है तो मैं 100% DC का भी अपडेट दूंगा, पर अभी तो सिर्फ वंडर वूमेन के लोगो लॉन्च हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। देन उसी के साथ अगर आप गेम खेलते हो मार्वल्स का अल्टीमेट अलायंस, तो उसमें दो कैरेक्टर ऐड करे गए हैं, एक तो साइक्लॉस और एक क्लॉसिस, और एक और कैरेक्टर ऐड करा गया है जिसका नाम है लोकी। तो ये भी तीनों काफ़ी कमाल के कैरेक्टर हैं और अभी रिसेंट में इस गेम में ऐड करे गए हैं। देन उसी के साथ अगला अपडेट है काफ़ी कमाल का DC का, तो साइबॉर्ग जेंडर कट में एक इमेज लॉन्च करी गई है बिहाइंड द सीन, जो कि ये है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और मेरे हिसाब से जेंडर कट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए उन्होंने फैसला करा कि वो सैंडिएगो कॉमिक कॉन में लॉन्च करेंगे। तो जैसे लॉन्च होता है तो अपने फेसबुक पेज पर तुरंत अपलोड करूंगा। हैप्पी दैट डे मूवी नहीं बन रही है, कंफर्म हो चुका है। अगर आप इस मूवी सीरीज के फैन हो हॉरर टाइप के, तो सीरीज का तीसरा पार्ट नहीं आ रहा है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। अवतार के डायरेक्टर और राइटर जेम्स, वो अभी लाइव आए थे सैंडिएगो कॉमिक कॉन में, और उन्होंने अवतार 2, 3, 4 के बारे में बताया और टर्मिनेटर के बारे में बताया, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई थी, क्योंकि पूरे लाइव सेक्शन तो मैं देख नहीं पाया, पर अपडेट काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। धनुष के साथ सीजन टाइटन का काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है जोरों शोरों पर शूटिंग, और वो उनकी एक बिहाइंड द सीन इमेज देखने को मिली। लेजेंड सीरीज का ऑफिशियली ब्रो थॉर लॉन्च कर दिया गया है, अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो मैं लिंक आपको दे दूंगा अपने कम्युनिटी टैब पर। उसी के साथ टॉम क्रूज का सैंडिएगो कॉमिक कॉन में लॉन्च करा गया ट्रेलर टॉप गन का, और ये उसका फर्स्ट पोस्टर था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, टॉम क्रूज ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर भी डाला है। देन टर्मिनेटर का डार्क का ट्रेलर का टीजर पोस्टर कुछ ऐसा लॉन्च करा गया, तो अभी आज 3 बजे तक वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देन उसी के साथ ऑल टाइम सबसे बेस्ट सेलिंग गेम रहा है अर्कम नाइट्स बैटमैन और स्पाइडरमैन, तो ये सबसे टॉप DC का और स्पाइडरमैन मार्वल का टॉप गेम था, जो कि सबसे ज़्यादा सेलिंग करा गया है। अगर आप गेम खेलते हो तो आपको शायद ये बात पता होगी। देन अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस बजट के बारे में। तो राइट्स के मामले में स्पाइडरमैन और सोनी में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन चल रहा है, और 135.8 मिलियन का फर्क रह गया है, और देन देखते हैं कि शायद ये क्रॉस कर जाए। उसी के साथ 5.7 मिलियन का फर्क रह गया एवेंजर एंड गेम और अवतार के बीच में। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे हो, या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।